तो यार हमारे इस अननोन क्रिमिनल को पकड़ा नहीं गया बल्कि इसका तो जूस बना दिया गया है। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये एपिसोड सीरीज का फाइनल एपिसोड था एंड 6 एपिसोड्स की ये सीरीज का सीजन 1। वेल, मुझे लगता है कि सीजन 2 बहुत जल्द आएगा, अब खत्म हो चुका है। वैसे मुझे ओवरऑल सीरीज अच्छी लगी, बट बहुत से क्वेश्चंस अभी भी अनआंसर्ड रह गए हैं जो कि प्रोबेबली सीजन 2 में बताए जाएंगे, अगर वो आया तो। मैंने आपको एपिसोड वाइज ही सीरीज के प्लॉट एक्सप्लेनेशन बताए हैं जिसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है एंड जिसको आप ऊपर आई कार्ड पे क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। साथ ही साथ मैंने आपको जितनी भी 3-4 अजम्पशंस बताई थी वो सब की सब गलत साबित हुई। शाबाश बेटा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलो यार फिर शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू हुआ था पिछले एपिसोड के एंड से, जहां पर सिवॉन जेई के माइंड में एंटर करता है। सिवॉन जेई से कहता है कि वो उसे डोयून को ढूंढने में उसकी मदद करे। जेई को कुछ अच्छे से याद नहीं आ पाता, पर उसे कोमा में जाने से पहले के कुछ मोमेंट्स याद हैं, जहां पर उसके हाथ में एक पेन ड्राइव थी। जेई सिवॉन से कहती है कि वो डेड लोगों से और अच्छे से ब्रेन सिंक कर सकता है बजाय कि किसी लिविंग वन के, जिसके लिए वो एक बिल्डिंग से सुसाइड कर लेती है। नाउ अभी ये सब जेई के माइंड के अंदर चल रहा है जो कि अभी कोमा में है, यानी कि वो अपने माइंड में अपने आप को मार रही है जो कि उसकी एक्चुअल डेथ में बदल जाएगा। इसके बाद सिवॉन भी ब्रेन सिंक से जाग जाता है। अगले सीन में कांगमूली सिवॉन को एक आइडिया देता है कि क्योंकि जेई अब मर चुकी है तो वो उस पर ब्रेन सिंक करके उसकी कॉन्शियसनेस को अपने ब्रेन में स्टोर कर ले ताकि जेई उसके पास हमेशा रहे जैसे कांग है। नाउ अभी यहाँ पर इस सीन के बाद कांग का कोई भी सीन नहीं है, जिससे मुझे ये लग रहा है कि अगर सिवॉन किसी की कॉन्शियसनेस को पूरी तरह ब्रेन सिंक कर लेता है तो पास्ट वाली कॉन्शियसनेस उसकी मेमोरी से इरेज हो जाती है। इसके बाद सिवॉन जेई से ब्रेन सिंक करता है एंड उसे दिखता है कि जेई डोयून को लेकर हॉस्पिटल गई थी, जहां पर उसे डॉक्टर ह्यूनसू के लैपटॉप में हॉस्पिटल की अलग अलग ब्रांचेस दिखती हैं एंड इस डेटा को वो कॉपी कर लेती है। जेई को इस बात पे भी शक होता है कि वहां कुछ गलत हो रहा है एंड जिसके कुछ देर बाद वो वापस घर आ जाती है। कुछ देर बाद वहां सेक्रेटरी यून भी पहुंच जाता है एंड जबरदस्ती जेई को पिल्स खिलाने की कोशिश करता है, जिससे ये लगे कि उसने सुसाइड कर लिया। यहां पर जेई उस पेनड्राइव को यून से बचा के फेंक देती है। सिवॉन उस पेनड्राइव को ढूंढकर उस लोकेशन का पता लगाता है जहां पर अभी डोयून को रखा गया है एंड जहां पर डॉक्टर एम उस पे वो अपना पहला ब्रेन सिंक करेंगे। एपिसोड आगे बढ़ता है एंड सिवॉन उस पेनड्राइव से उस सीक्रेट लोकेशन का पता लगाता है जहां पर डोयून को रखा गया है एंड डॉक्टर होंग और जू भी उसके साथ उस लोकेशन तक पहुंच जाते हैं। यहां पर वो क्रिमिनल भी पहुंच जाता है एंड सेक्रेटरी यून से कहता है कि उसको उसके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा एंड वो डोयून को वहां से ले जाएगा। यून उसे रोकता है एंड फाइट के बीच में यून को गोली लग जाती है। इतने में जीव भी वहां पहुंच जाती है एंड फिर आगे जाके जीव और क्रिमिनल के बीच शूट आउट चलता है, जिसमें जीव उसका कुछ ये हाल करती है। इधर सिवॉन भी फाइनली उस लोकेशन तक पहुंच जाता है, मगर डॉक्टर म्यूंग ने तब तक ब्रेन सिंक शुरू कर दिया होता है। अभी सिवॉन कहता है कि अगर वो डॉक्टर एम की मेमोरीज को डोयून के माइंड में अंदर जाने से पहले रोक लेगा तो वो डोयून को बचा सकता है, मगर इससे उसकी लाइफ पे भी बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि ऐसे में डॉक्टर एम की मेमोरी सिवॉन के माइंड में एंटर कर सकती हैं। वेल, थोड़े से ड्रामा के बाद जहां पर सिवॉन हमें डॉक्टर एम से बात करता हुआ नजर आता है, सिवॉन डोयून को डॉक्टर एम से बचा लेता है। इसके बाद जिस मशीन से ब्रेन सिंक हो रहा होता है उसका काउंटडाउन शुरू हो जाता है एंड थोड़ी देर बाद उसमें ब्लास्ट हो जाता है। अभी सीन में डॉक्टर एम एंड यूजिन को तो इतनी सारी चोट लगती है, मगर सिवॉन को एक खरोच तक नहीं आती जबकि वो मशीन के सबसे ज्यादा नजदीक था। एपिसोड एंड होता है जहां पर सिवॉन को डॉक्टर एम दिखते हैं एंड जिससे मुझे लगता है कि ये इम्प्लाई करा गया है कि कांगमूली की तरह उनकी मेमोरीज भी सिवॉन के माइंड में एंटर कर गई हैं एंड ऑल्सो अभी डॉक्टर यून भी पुलिस से बच के भाग गया है। तो अभी मेरे हिसाब से कहानी एंड तो नहीं हुई, मगर शायद दूसरे सीजन के लिए छोड़ दी गई है क्योंकि हो सकता है कि अगले सीजन में डॉक्टर यून को मेन विलन की तरह दिखाया जाए एंड ऑल्सो अभी डॉक्टर एम जिंदा है। वेल, फिजिकली तो नहीं बट इन सिवॉन्स माइंड एंड हो सकता है कि वो भी उसकी लाइफ को अब अफेक्ट करें। वेल, 6 एपिसोड की ये सीरीज का पहला सीजन यहाँ पर खत्म होता है एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ऐसी और वीडियोस के लिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।